नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 से 28 दिसंबर के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि, 25 दिसंबर आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप स्वप्नदर्शी रहेंगे, ख्यालों की दुनिया में रहेंगे, कल्पनाशीलता के चरम पर होंगे। इस दिन आप अपनी कल्पनाशीलता को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, कल्पनाओं के सागर में चले जाएं, कल्पना करते रहें और कल्पनाओं में तरक्की करें, कल्पनाओं में सफलता प्राप्त करें और वर्तमान में कुछ भी हासिल ना करें। और दूसरा तरीका है कि अपनी कल्पनाओं को साकार रूप देने के लिए भी कल्पना करें। इसको समझें ठीक से। आप अपनी कल्पनाओं में बड़े शक्तिशाली 25 तारीख को रहेंगे, इसलिए जब आप विचार करेंगे और ख्यालों ही ख्यालों में अपनी सक्सेस को देखना शुरू करेंगे, तो उस सक्सेस को कैसे पाना है इसके बारे में भी विचार करना शुरू करें, तो आपके विचारों में परिपक्वता आ जाएगी और आपको पूरा ब्लूप्रिंट समझ में आ जाएगा, पूरा रास्ता समझ में आएगा, पूरा प्लान समझ में आएगा कि आपको सफलता कैसे अर्जित करनी है। इसलिए 25 तारीख को खाली ना जाने दें, सफलता की ओर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें। 26 दिसंबर भाग्यशाली दिन है, भाग्य का चक्र आपके सपोर्ट में है, आपके समर्थन में है, इसलिए हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। मेरे शब्दों को फिर से सुने, हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। अच्छे मामलों में भी सफलता मिल जाएगी और बुरे मामलों में भी सफलता मिल जाएगी। फायदे के लिए भी सफलता प्राप्त होगी, नुकसान के लिए भी सफलता प्राप्त होगी। अब इसको समझें, फायदे के लिए सफलता कैसे प्राप्त होगी ये बताना नहीं है, आप समझ रहे हैं। नुकसान में सफलता कैसे प्राप्त होगी ये समझें। नुकसान अगर आपने सोच लिया है, सुबह सुबह आप उठे, आज का दिन अच्छा होगा, आपने ये विचार किया 26 तारीख को, तो सब कुछ बढ़िया आपके फेवर में जाएगा। लेकिन सुबह उठे और आपने सोचा कि ओहो आज का दिन खराब हो सकता है, आज कुछ बुरा हो सकता है, आज कहीं नुकसान हो सकता है, तो आपकी इस सोच में भी भाग्य पंख लगाकर उड़ेगा और आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपने विचार को 26 तारीख को पॉजिटिव रखें, नकारात्मक विचार ना लाएं। कोई भी कार्य कितना भी दुसाध्य हो, कितना भी कठिन हो, 26 दिसंबर का दिन है तो आप उस दिन विचार करें कि आप इस कार्य में अवश्य सफल होंगे, फिर आप देखिएगा कि सफलता कैसे आपको मिल जाती है। 27 तारीख को आप थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा एकांत में रहना पसंद कर सकते हैं या कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि अब आप अलग थलग पड़ गए हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, सफलता की ओर कदम बढ़ाएं, या ये कहें कि अपनी योजना पर कदम बढ़ाएं और आगे बढ़ जाएं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और पता भी चल जाएगा कि ज़्यादा मुश्किलें नहीं आ रही हैं, क्योंकि पहले भी आपने अकेले ही अपने दम पर लक्ष्य को प्राप्त किया है, सफल हुए हैं, अब भी आप ये कर सकते हैं। तो 27 तारीख को अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें। समाज में इस दिन आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के अच्छे संयोग बने हुए हैं। सामाजिक दृष्टि से आपका मेल जोल भी इस दिन बढ़ेगा लोगों से। 28 दिसंबर को परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे, धन को लेकर के सफलता अर्जित करेंगे, धन के मामले में चल रहे प्रयासों में भी आप सफल होंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, अपने धन को किस प्रकार से किस दिशा में लगाएं इस सब के लिए ये दिन बहुत बढ़िया और सुगम रहेगा। इस दिन परिवार के साथ आप जितना ज़्यादा समय बिताएंगे उतना आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके बावजूद समय अपने परिवार को अधिक देने का प्रयास करें। इन चारों दिनों में प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और व्यापार के लिए ये चारों दिन बढ़िया रहेंगे। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 25 से 28 दिसंबर के लिए। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।